द्वारका हज हाउस की संख्या बुनियाद 2008 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रखी थी। उसके बाद शीला जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रही, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। हर साल बजट में तो वो फंड एलोकेट करती रही लेकिन काम कभी नहीं शुरू करवाया। इसी तरह से 2014 से अरविंद केजरीवाल साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी मुसलमानों से खूब वादे किए कि हम आपको एक भव्य हज हाउस देंगे। बीच बीच में मनीष सिसोदिया साहब भी कहने लगे कि हम एक बहुत अच्छा और बड़ा और भव्य हज हाउस देने वाले हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई काम आज तक शुरू नहीं कराया। वो हज हाउस अभी तक फाइलों में है, ये सरकार भी हर साल उसका बजट पास एलोकेट करती है लेकिन काम शुरू नहीं कराती। आज कुछ भगवा संगठन और बीजेपी ने मिलकर उस कागज में पड़े मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये भगवा संगठन चाहते हैं कि दिल्ली का माहौल खराब हो, ध्रुवीकरण हो, दिल्ली फिर दोबारा से दंगों की जद में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान, अरविंद केजरीवाल का वहां पे एमएलए की खामोशी कुछ और बताती है। वो ये बताती है कि इनका इन नाम निहाज सेकुलर पार्टीज, पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, ये मुसलमानों को लॉलीपॉप देते हैं और फिर किसी बहाने से उनमें खौफ पैदा कराते हैं ताकि मुसलमान अपने मुद्दों की अपनी डिमांड कर ना सके। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम एमएलए पे भी ये ऑब्जेक्शन और ये इल्जाम लगाता हूं कि आखिर तुमने अपनी पार्टीज पे, अपनी सरकारों पे दबाव क्यों नहीं बनाया? तुम आखिर कम्युनिटी के नुमाइंदे हो और तुम अपनी सरकारों को नहीं जगाओगे तो आखिर ये इसी तरीके से लॉलीपॉप थमाती रहेंगी और दूसरे लोगों को मौका मिलता रहेगा। मजलिस दिल्ली ये डिमांड करती है कि हज हाउस जल्द से जल्द बने और अरविंद केजरीवाल साहब सामने आके और जल्द ऐलान करें कि ये कब तक पूरा हो जाए।